था और आज ये मसला हो गया है यार, कोई हद होती है। यार आज ना मेरे दिन में दो काम थे, एक काम ये था कि मैंने जाना था मूवी देखने, ठीक है, और दूसरा काम था कि मैंने नादिर भाई से मिलना था। अब मूवी और नादिर भाई से क्यों ये काम हो सकता था, या तो मैं नादिर भाई से मिलने जा सकता था या तो फिर मैं मूवी देखने जा सकता था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था इस बात पे। तो अभी मैं नादिर भाई से मिल गया हूँ और मेरे साथ ये इब्राहिम भाई हैं। इब्राहिम भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, मेरा नाम इब्राहिम है, ये मौकी क्लिक से यही नाम है इसका, मौकियोग्राफी, ठीक है। इसको बॉय को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें इब्राहिम से मेरा इंटरेक्शन एक हफ्ते पहले हुआ था मीटअप पे। असल में इनके कोई दोस्त वगैरह आए हुए थे तो वहाँ पे मैं भी गया हुआ था, तो मैं खास पिक्चर्स वगैरह मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड भी की हुई थी। तो अभी नादिर भाई का वेट हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा आवाम आई हुई है। तो कौन नादिर? अब सवाल ये उठता है ना, नादिर है कौन? तो पीर फॉर पकाओ वाला नादिर नहीं, क्योंकि अगर नादिर की मैं बात करूँ तो सारे नादिर अली समझ रहे हैं। अगर आप चैन के गाने सुनते हो या आपको चैन के का रियल नेम समझ आता हो तो वो नादिर नाम है उसका। तो मैं नादिर से मिलने आया हुआ था। सीन ऐसा हुआ कि कल हमारा ड्यू का टूर्नामेंट था, तो उन्होंने हमें कहा था कि आपका जो नेक्स्ट मैच है वो है संडे को। तो अभी मैं मीटअप में था, मुझे कॉल आई है कि मैच है 7:30 बजे। अभी मैं मुझे मीटअप छोड़ के मुझे ड्यू का मैच खेलने जाना पड़ेगा। यार अब यहाँ पर मैंने आने का एक मकसद ये था कि मेरे अंदर जो खौफ था पब्लिक में बात वगैरह करने का, वो उसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता अपने अंदर से। लेकिन अब ये ड्यू वाले यार तब चढ़ गया मुझे, बंदा इतने दूर आए वहाँ से, अब ये हो जाए तो यार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कल उन्होंने इतना फवार किया था और आज ये मसला हो गया यार, कोई हद होती है। अब मुझे यहाँ से वो बेरीटोन फेस 4 जाना है मैच खेलने के लिए। मिलता हूँ फिर मैं आपसे वहीं पे। तो यार अभी मैं ड्यू के मैच में आ गया हूँ वापस। ये रियान मेरे साथ बैठा हुआ है, ज़ैफ़ा, ये सारी टीम बैठी हुई है। मेरा माइंड सेट अभी बिल्कुल भी गेम का नहीं है, तो अब हारे तो ये मेरी वजह से ही आ रहे हैं मुझे ना पता। तो मैच के बाद मैं बात करता हूँ। ड्यू मिल गई भजन। सीन ऐसा है कि मुझे इतने दूर से इन्होंने बुलाया, 14 मिनट में गेम करवा के घर भेज रहे हैं वापस। पता था यार पे अच्छा नहीं लग रहा था यार, तुम रूट छोड़ दो अभी तक गेम पे गुस्सा है इन लोगों को, ये यहाँ पे। तो यार मुझे ये व्लॉग एंड करना याद नहीं, अभी मैं एडिट कर रहा था मुझे याद आया कि इसका तो कोई एंडिंग पार्ट ही नहीं है। बाय द वे फ्यूचर में मैं ऐसा दिखूँगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में यार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। करना है बड़े वाला।